सुप्रभात दोस्तों, मैं आपकी गार्डनर दोस्त सुनीता। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैम कैलोरी गार्डनिंग। देख रहे हैं आप, ये मेरा गमला तोड़ दिया बंदरों ने। बहुत बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं बंदर आके, हैं। अब मैं इसे ठीक करूँगी तो आपको बताऊँगी किस तरह से ठीक करना है। एक गमला एक्स्ट्रा लेके, जो ये देखो सीमेंट है, 3 पार्ट सीमेंट और 1 पार्ट रेत। अब एक गमला लेके उसमें पॉलीथीन चढ़ा के इसके अंदर फिक्स कर दो, ऐसे कि हिले ना, ये जो अंदर वाला गमला है वो हिले ना, क्योंकि हिलेगा तो सीमेंट सही से नहीं लग पाएगा। और ज़्यादा गीला भी नहीं रखना सीमेंट, कि आप गीला रखो तो वो रुके ही ना। और इसे चारों तरफ से इसमें अच्छे से दबा दबा के लगा दो, जैसे हम गमला बनाते हैं उस टाइप से। बस अंतर इतना है, ये बाहर से बना रहे हैं, वो अंदर से हम लगाते हैं सीमेंट, इसमें बाहर से लगा रहे हैं। और इतना स्पेस छोड़ो कि बस 1 इंच का स्पेस छोड़ो, जितनी किनार हो उसकी उसी हिसाब से। क्योंकि फिर ज़्यादा लगेगा तो भी अच्छा नहीं रहेगा, सीमेंट बहुत ज़्यादा लगा दोगे। हिसाब से अपने हल्का हल्का चारों तरफ से लगा के पॉलीथीन जरूर चढ़ा देना आप गमले में। पता चले पॉलीथीन आप लगाओ नहीं तो वो फिर बाद में निकलेगा भी नहीं गमला, तो पॉलीथीन बिना चढ़ाए आप लगाना मत। मेरा गमला तुलसी लगा हुआ था तो मुझे रिपोर्ट भी करना था तुलसी, तो मैंने सोचा चलो निकाल देती हूँ, जब ये ठीक हो जाएगा तब इसमें फिर से फिक्स कर दूँगी। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा हल्के तो हाथों गमला से निकालने के बाद दबा में दबा के सीमेंट घोल लगाना के है, सीमेंट और इसे चारों चारों तरफ तरफ से। से इसे सीमेंट से लगा दो, जिससे कि ये इसमें जो कि थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो वो ठीक हो जाए, है ना। थोड़ा सा पहले सीमेंट भी लगा दिया था मैंने, जो जहाँ जहाँ ऊंचा नीचा था, फिर उसके बाद में घोल लगा के चारों तरफ से। देखो कितना अच्छा सा गमला तैयार हो गया, ऐसा नहीं कि बुरा लग रहा हो बहुत। अब जबकि हाफ हाफ टूट गया था, और नीचे से भी काफ़ी, बिल्कुल नीचे से बस तली तली रह गई थी, नीचे से भी काफ़ी टूट गया था। ओके फ्रेंड्स, मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय फ्रेंड्स।